नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे हम 2 मिनट में कैसे सब्जी तैयार करते हैं। तो दोस्तों, कौन सी सब्जी है जो 2 मिनट में तैयार हो जाती है, सभी ने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने प्याज डालना है, इसमें तड़का लगाते हैं आपकी सब्जी तैयार। तो दोस्तों, ये जो सब्जी है 2 मिनट में तैयार हो जाती है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊंगा। अगर हरा धनिया है तो आपको हरा धनिया भी चाहिए। तड़का लगाने के लिए आप प्याज डाल सकते हैं, जितना अच्छा ज़्यादा प्याज डालेंगे उतना ही स्वाद होगा। तो दोस्तों, अब इसमें हरी मिर्च डालते हैं टेस्ट के हिसाब से। अगर हरा धनिया है तो आप हरी धनिया काट लें, हरी धनिया बाद में डालते हैं। अब इसको मारेंगे तड़का। तो दोस्तों, अपने सबसे कढ़ाई को गर्म करना है, साथ में इसमें सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डाल दिया इसमें। इसके बाद डालना है अपने सूखा धनिया, इसको ऊपर से ऐसे मल देना है, ये खुल जाए, और जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने डालना है। इस कढ़ाई के अंदर मैंने पहले से तड़का मारा था, इसलिए तेल दिख रहा है इसमें। सेम सब्जी थी, उसको तड़का मारा था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा पानी मार सकते हैं, कर सकते हैं। इसको तेल को सबसे पहले गर्म होने देना है। तो दोस्तों, हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है। अब इसमें हमने सूखा धनिया डालना है। अब इसको भूनना है। धनिया जो हमारा पक गया है, इसके बाद हमने इसमें मिर्च और प्याज डालना है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया काट कर रख लें। दोस्तों, आज आप सीख रहे हैं कि हम कैसे 2 मिनट में कौन सी सब्जी तैयार कर सकते हैं। अभी के सामने हैं, सभी ने ध्यान से देखना। दोस्तों, मसाला पक गया। अब इसको आपने क्या करना है कि अपने गैस को कम कर देना है। अब इसके लिए आपके पास चाहिए लस्सी, लस्सी या दही, आप दोनों की सब्जी बना सकते हैं। अब इसमें हम लस्सी डालते हैं। दोस्तों, उसमें शेड देते रहना है, हिलाते रहना है कि ये फट ना जाए, क्योंकि लस्सी ज़्यादा गर्म होने से फट जाती है। सभी ने ध्यान रखना कि लस्सी फट ना जाए। और अब इसमें आपने हल्दी डालनी है और नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है।
तो दोस्तों हमारी सब्जी जो है तैयार है, इसको कहते हैं रायता या कढ़ी। आपने देखा कढ़ी भी ऐसे बनाई जाती है। तो दोस्तों ये ऐसी सब्जी है जो आपकी 2 मिनट में तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप मार्केट से लस्सी या दही खरीद कर ला सकते हैं। और ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। अब आपने एक और काम करना है, इसमें अपने हरा धनिया ये डालना है। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट है हरा धनिया, इसे काफ़ी टेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा स्वाद होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगा, कैसे, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं बनाने में। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।